नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। मंडावली क्षेत्र के शिव शंभू मोटा महादेव मंदिर की अलग अलग विशेषताओं के चमत्कार को लेकर अपनी आस्थाओं के साथ इधर से गुजरने वाले सभी शिव भक्त मोटा महादेव पर जल चढ़ाकर ही आगे बढ़ते हैं। मोटा महादेव मंदिर के पुजारी शशिनाथ ने बताया कि यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे, इसलिए इसको शिव शंभू मोटा महादेव मंदिर कहते हैं। पुजारी शशिनाथ ने यह भी बताया कि जो भी शिव भक्त इधर से गुजरते हैं और अगर किसी ने यहाँ पर जल नहीं चढ़ाया और आगे बढ़ गया तो उसका पानी सूख जाता है। इस तरह की जानकारी कुछ शिव भक्तों के द्वारा पुजारी को दी गई है। इसके साथ ही शिव शंभू मोटा महादेव मंदिर के पास में ही भैरवनाथ का मंदिर है, जहाँ पर हरिद्वार से चलकर आने वाले सभी शिव भक्त जल चढ़ाने के बाद भैरवनाथ का छोटा जरूर लगवाते हैं। मान्यता है कि भैरवनाथ का छोटा लगवाने के बाद उनकी थकान दूर हो जाती है। पिछले और वर्षों की भांति इस वर्ष कांवड़ियों की संख्या अधिक है, क्योंकि 2 वर्ष तक कोरोना काल की वजह से कांवड़ नहीं चली। पुजारी ने बताया कि कांवड़ियों की संख्या अधिक होने की वजह से एक दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन के विशेष सहयोग से जाम की स्थिति को खत्म किया गया है और यहाँ पर शिव भक्तों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। मंडावली से हमारे संवाददाता अब्दुल रहमान जी, अपना नाम बताइए। मैं शशिनाथ पुजारी, मोटा महादेव मंदिर। आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। देखिए, यहाँ पर करीब पिछले 1 हफ्ते से बहुत भीड़ रहती है और पिछले साल के देखकर मैं मानता हूँ कम से कम 1.5 गुना तो है ही, और भीड़ भाड़ काफ़ी है। यहाँ पर जैसे कि लाइट की सुविधा बढ़ाई गई है, जल की सुविधा बढ़ाई गई है, यहाँ पे काम की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बनी है, जो कि 2 दिन बनी है, और उसमें मानिए कि पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया है साहब, उनकी जाम को लगने नहीं। और हमारे सुविधा में जो मुख्य हमारे हैं, जैसे हमारे का मुख्या जी मंडा पुलिस हैं, उनके बेटे हैं, वो यहाँ के लिए लाइट में और कैंप में मतलब बहुत बड़ा उनका सहयोग करने के लिए हमेशा रहा है और रहेगा है। मोटा महादेव की क्या विशेषताएं हैं, क्या मान्यता है? देखिए, मान्यता यह है कि हरिद्वार के एक शक्ति मोटा महादेव के लिए, अगर हम किसी वजह से उस किसी को नहीं करना तो वो किसी सुन जाएगी, मतलब किसी सुन जाएगी तो हमारे लिए वो अपना जो फ्री कर देगा। अच्छा, यहाँ भैरवनाथ का सोटे की क्या विशेषता है? भैरवनाथ का सोटा इसलिए लगाया जाता है कि ये शक्ति पीठ है, लगभग कितने कांवड़िए यहाँ से गुजरे होंगे? क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? लाइट की सुविधा है और घर की परिपूर्ण भंडारे वगैरह हैं, किसी पानी की दिक्कत यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का कैंप भी लगा हुआ है और पुलिस का यहाँ पे सामने एक चौकी बनाई जाती है, यहाँ पे हमेशा बनती है और यहाँ पे पूरा हमारा स्टाफ तैनात है। कितने दिन पुराना होगा मंदिर? इस मंदिर को कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि मौर्य काल जब था तब मौर्य काल में हमारे कानपुर रियासत में यहाँ का बना था। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।